तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका जयफोर टेक की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 3 जो कि नया डिवाइस लॉन्च हो चुका है इंडियन मार्केट में, और ये देख सकते हैं मेरे सामने है। ये आज हम करने वाले हैं इसकी हैंड्स ऑन और फर्स्ट लुक, देखने वाले हैं कैसा है इसका डिज़ाइन। और सबसे पहले हमारे पास ये कलर है रेडियंट ब्लू, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन की शिमरिंग दे दी हुई है ब्लू कलर के साथ में। देख सकते हैं आप अलग अलग एंगल से अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं हमें इस फ़ोन में। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और वॉल्यूम रोकर मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में, एंड वर्टिकल कैमरा डिज़ाइन दिया गया है इस बार रियलमी में। एंड रियलमी का जो लोगो है वो भी इस बार वर्टिकल ही लिखा गया है। यहाँ पे यूआई में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है कलर ओएस में। देख सकते हैं आप सिंपली यहाँ पे नए नए फीचर्स आए हैं कलर ओएस में। कलर ओएस 6 वर्जन मिलता है आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड, एंड यहाँ पे ये वर्क करता है एंड्रॉयड 9 पाई पे। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ दी गई है। यहाँ पे ये कलर हमारे पास एक और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, जो कि है पर्पल ब्लैक कॉम्बिनेशन में, और अलग अलग एंगल से अलग अलग कलर्स वो देता है। यानी कि किसी एंगल से वो पर्पल लुक देता है, किसी एंगल से ब्लू लुक देता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगर इनके फीचर्स वगैरह की, तो सबसे पहले मैं आपको कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ और कैमरा सैम्पल्स कुछ दिखाता हूँ आपको इस फ़ोन के। दोस्तों कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस फ़ोन में, इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है रियलमी ने इस फ़ोन में। पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी अच्छी फोटोज़ ले लेता है ये फ़ोन। मैं आपके सामने कुछ सैंपल शॉट्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप वो देख सकते हैं एंड खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ ये कैप्चर कर लेता है अपने कैमरा से। तो दोस्तों ये थे कुछ कैमरा शॉट्स, एंड अब बात करते हैं अगर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। देख सकते हैं मैंने एक फ्रंट कैमरा ली के से फ़ोटो ली, एंड फ़ोटो कैप्चर करने बाद आपको दिखाता हूँ डिटेलिंग कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे 13 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, एंड बैक में 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिटेलिंग दे देता है आपको अपने फ़ोन में। बात करते हैं दोस्तों अगर इसके सेटिंग्स में जाके, अबाउट फ़ोन में जाके कि क्या क्या फीचर्स और मिल जाते हैं आपको इस फ़ोन में, तो सबसे पहले हम जाएंगे अबाउट में। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस नेम में रियलमी 3, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि है मीडिया टेक हीलियो P70। यहाँ पे 4GB रैम और 64GB रोम वाला वेरियंट है मेरे पास, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों कलर ओएस का वर्जन 6.0 एंड एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई। देख सकते हैं आप ये है एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई जो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है आपको इस डिवाइस में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। नया आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है दोस्तों। इसमें प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया लगाया गया है, एंड यहाँ पे ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन इन्होंने दे दिया है अपने कलर ओएस 6.0 वर्जन में। और दोस्तों बात यह है कि आपके जितने भी रियलमी के डिवाइसेज है उसमें फर्स्ट हाफ में आपको सभी रियलमी के डिवाइसेज में कलर ओएस 6 का अपडेट आ जाएगा एंड्रॉयड 9 पाई के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ है ये रियलमी की तरफ से। बाकी ये डिज़ाइन देख सकते हैं अभी इन फोन्स का कितना ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग है, एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देता है ये डिज़ाइन इज इन दोनों फोन्स का। मैं शायद इस फ़ोन को परचेज करूँ तो उसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। दोस्तों लाइक कर दो इस वीडियो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आती रहे। यहाँ पे दोस्तों हम फिंगरप्रिंट टेस्ट करके देखते हैं, बार मैं फिंगरप्रिंट सेट करके देखता हूँ और देखते कैसा है। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो कि है फिंगरप्रिंट मैग्नेट। जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट मैग्नेट मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगता किसी भी स्मार्टफोन में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी फ़ोन काफ़ी बढ़िया दोस्तों, मैं इसको पर्सनली यूज़ किया था और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी फास्ट है, वो कई बार मेरा टैप इधर उधर हो रहा था तो इसलिए वो खुल नहीं रहा था। बाकी बहुत फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर जितना मैंने ट्राई किया है। तो दोस्तों ये है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे मैं लेटर